बड़ी सजा को लाशा
खुल गई है हाँ।
मैं आपके जिला में अपनी मजिस्ट्री आगाज करना चाहता हूँ कि बाबा बिपुल नारे सर्वा आप किस मकसद से बैठे हैं वो मकसद आपके सामने आया है रोनुमान। कोई भी दादा आपको मंदिर की तरफ नहीं ले जाना है, बस यही कि आपके सामने जिंदगी काम बना हुआ है। हाय मौला हाय। ये 2023 का जिंदा है, मगर अगर 61 डिग्री का अगर आप जिंदा कभी तस्वुर कर ले तो आप सोच के आपके आपको सियासी जारी हो जाए। इस हदीश में हकीकतवादी हदीस को बेशक यकीनन कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हरारत है जो मोमिनीन के कुलूब को ठंडक नहीं पहुंचा सकती। जब भी हुसैन का तस्किरा होगा, जब भी मर्यादा दिखाया जाएगा, हकीकत यह भी हो कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो आसमान से हजरत हुसैन के बाद मुसलसल आसमान से फूलों की बारिश हुई है। बैतुल मुकद्दस से जो पत्थर हटाया गया उन पत्थरों से भी खून जारी रहता था। ये हुसैन का गम हम नहीं मना रहे, पत्थर भी मना रहे हैं। आसमान से भी हुसैन का गम मनाया गया। आज तो हम अदादार बैठे हुए हैं बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ, मगर कोई पूछे 1443 हिजरी का जो शेरनुम आया हिंदुस्तान के अदादार ना जा सके, तड़पते रहे, लाखों देते रहने की कोशिश भी की, मगर अभी तो ना जाने क्या वजह कि करबला ना पहुंच सके। अगर आप करबला ना गए हैं तो मत घबराइए, इसका आज एक मोमिना जो थी जिंदा ने शाम से करीब उसका महल था, वो कोई और नहीं है जो हिंद जिसका नाम तारीख ने तहरीर फरमाया, वो हिंद जो शाम की रहने वाली थी। शाम में तो पहले बैत का कभी तस्करा ही नहीं किया गया, शाम वालों को पता ही नहीं था कि कितना करीब यजीद को बताया गया है बैत से, रसूल का खानदानी रिश्तेदार या माविया को जितना बताया गया उतना अली को नहीं बताया गया। मगर किसी ने कहा कि एक तबीब मदीने में रहता है, अपनी बेटी को वहां लेके जाओ, तुम्हारा ईमान रह जाएगा। वो हिंद का बाप मदीना तशरीफ ले आया, अली के पास आया, तब हुसैन छोटे से थे। कहा मेरे लाल ये मरीजा आई है, अपने हाथ से इसके ऊपर पानी छिड़क मरीजा शफा पा गई। मगर अभी तो जब मरीजा शफा पा गई ना तो अपने बाबा से कहा बाबा हम शाम नहीं जाएंगे, कुछ दिन तक जैन के साथ रहना चाहिए। अल्लाह पर जनाब जैनब के साथ रहती रही, मगर जब बड़ी होगी तो उसका बाप आया और हिंद को लेके जब शाम चलाया तो यजीद से शादी हो गई। अजीजों मुझे नहीं पालो मगर तारीख साहब तारीख तहरीफ फरमाते हैं कि जब हिंद रात के सन्नाटे में सोई ना तो बड़ी मुस्तरिब थी, बड़ी परेशान थी, बार बार परेशान है, कभी कलीजों से कह रही है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मगर एक गोशे से आवाज आ रही हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन की सदा उलट हो रही है। इनने कलीजों पे गठा किया और जिंदान में चले का बिल्कुल सुकून मिल गया। इनके दिल से बात करते पर जलीलो हिंद उन कलीजों से बात करने के लिए आ रहे हैं। जलीलो कहाँ आ रही है जिंदान शाम में आ रही है। अल्लाह फुरमुट में है, रेशमी कपड़े पहने हुए, जिंदान का दरवाजा खोला गया, जैसे ही जैनब ने देखा ना एक मर्तबा उम्मे कुलसूम से कहते बहनों मैं कुलसूम कि ये वही चीज है जो हमारी यहाँ करीब थी, इनका सामना कैसे करूँ। सर को जैनब ने झुका लिया, अल्लाह अल्लाह मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया भी जो अब वो मुश्किल खड़ी है अभी जो कि इनके लिए कुर्सी लाया गया। अल्लाह अल्लाह अरे शैतानिया कलीब पे बैठे कलीब कुर्सियों पर बैठे। एक मतलब मुखालिफ होकर जनाब जैनब से पूछा आप कहां गिरे लेवा के, कहां मदीना
मदीने के रहने वाली। अच्छा मदीने के रहने वाली, क्या मदीने में कहाँ की रहने, क्या मदीने तो रसूल के रहने वाली। फिर मैं कुर्सी को फेंक दिया, जमीन पर बैठ गई। क्या जिस मदीने के रसूल के रहने वाले, उस मदीने के रहने वालों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा जाता। अल्लाह हू अकबर। हिल रही है, नहीं बातें कर रही है। अच्छा इतना बताइए कि मदीने में कहाँ की रहने, कहा महल बनी हाजिर के रहने वाली। अल्लाह हू अकबर। उसने कहा ना महल बनी हाजिर के रहने वाली। अच्छा महल बनी हाजिर में रहने वाली, क्या आप मेरे शहजादे हुसैन को जानते हैं, क्या आप मेरी शहजादी को जानते हैं। अल्लाह हू अकबर। जैनब सर को झुकाए, हिल के हिल के, शहजादी एक अली एक कैदी, अपने सर को तो बुलंद करो जरा, मेरी तो मैं तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। जैनब ने कहा मेरा गर्दन दर्द कर रहा है, इसलिए मैं अपने गर्दन को झुका के अली कैसे कदीब के सामने जैनब निगाहें उठा कर देखती। अल्लाह अल्लाह, इन गुफ्तगू पर गुफ्तगू कर रही। एक मरतबा जनाब जैनब ने कहा कि क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी, का रिश्तेदारी नहीं, मुझे जनाब जैनब ने पाला है, मुझे अली ने पाला है, मुझे हुसैन ने पाला है, मैं उनके घर में बनी हुई हूँ, पढ़ करके बनी हुई हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है इनसे जनाब जैनब ने कहा अगर मैं यहाँ आ जाऊँ क्या मुझे पहचान जाएगी। कहा कि ऐसा दरबार नजीस कैसा था, कहा मेरी शहजादी, कहा मेरे आका दादी। फिर जनाब जैनब ने जुमला कहा अगर हिंद अगर शहजादी जैनब आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करे बैठे तो क्या तू पहचान लाएगी। हिंद समझ गई थोड़ी सी मकसद को। इतने में जैनब ने बालों को हटाया, अगर मंजर देखा, ए हिंद मैं तुम्हारी शहजादी जैनब हूँ। हिंद ने पत्थर उठाए, जिंदा ने सामने से एक पत्थर अपने सर पर मारा और मारने के बाद हिंद ने चादर को फेंकी। दरबार में दाखिल होती है, ए अमीर तुमने क्या कर दिया, हुसैन को कत्ल कर दिया। अल्लाह जैसे एक जुमला सुनाना, शहजादी ने कहा हे तुम जानना चाहती जो जिंदा जो शाम के दरबार में जो सर लटका हुआ है ना, वो तुम्हारे आका हुसैन का सर है। अल्लाह हिंद दौड़ती हुई गई यतीम की तरफ, मुखातब होकर कहती यतीम तूने ये कौन सा काम अंजाम दे दिया, तूने मेरे शहजादी को कत्ल कर दिया, मेरी शहजादी को कैदी बना के लाया है। बस अभी जो सुनिएगा, हिंद ने जो चादर फेंकी थी ना, यतीम उठा का क्या हो गया, का जिसका आसमान ने कभी चेहरा ना देखा, जिसका आसमान ने कभी सर ना देखा, उसके सरों से रेदाएं छीन ली। यतीम उठता है अपनी रेदा उठाकर, अरे हिंद के सर पे जैसे ही डाला ना, एक मर्तबा यतीम जानते क्या जुमला कहता है, शहजादिया दरबार में बेबक तो चादर नहीं आती। एक मर्तबा हिंद ने कहा ए यतीम जब जैनब का पर्दा ना रहा तो हिंद का पर्दा क्या रह जाए। अल्लाह अकबर। बस अजीज आपकी मंजिल से माफ कर रहा हूँ। अब वो दिन भी आए, हिंद ने कहा यतीम जल्दी से रिहाई दे दे इन लोगों को। अल्लाह अकबर। रिहाई मिलने का वक्त आया, जब रिहाई मिल गई ना, शहजादियों को तो तारीफ कहती है, जनाब जैनब ने एक मसनद बिछाई जिंदाने शाम। जैनब ने जब जिंदाने शाम की मसनद बिछाई ना, तो सैयद सज्जाद को बुलाया, इस सज्जाद को करबला से कूफा, कूफा से शाम तक किसी ने पूछा ना दिया था ना, आज जैनब उस सज्जाद को पूछा नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मुसल्ला मसनद दिखा दिया जैनब ने, कहा बेटा सज्जाद मेरे सही खाओ, बाप का पूछा कबूल करो। ये बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये बेटा अपने बाप का पूछा कबूल करो। अरे जैनब ने सज्जाद को पूछा दिया, एक जुमला और कहा, ये बेटा सज्जाद तुम नशी के हालत में थे, मैं तो वो भी मंजर देख रही थी कि तुम्हारे बाबा के गले पर खंजर चल रहा था, तुम नशी के हालत में पड़े हुए थे। अल्लाह अल्लाह सज्जाद ने भी पूछा दिया, तुम भी तो बस अजीब हो। जुमला सज्जाद से जनाब जैनब ने कहा, बेटा अगर यकीन ने हमें रिहा कर दिया है तो जाओ उसे बहुत तबरुकात वापस करो, होशियार खबरदार अब उसका सर आ रहा है, जो नौजवान है, कहा किसका सर कौन, कहा हसन का, वो लगते जिगर तुम्हें फरवा का लगते जिगर, हसन का यतीम का सर आ रहा है, जिसके जिंदगी में घोड़ों से टाकों से पामाल कर दिया गया था। अल्लाह एक एक सर आ रहे हैं, अजीदो उसी असना में शोर उठा कि अब वो सर आ रहा है, उसके
किसका सर है, कहा मोहम्मद का सर आ रहा है, मगर अभी तो सर का लेने वाला कोई आगे ना बढ़ा। अल्लाह शाम की औरतें पढ़ती है, क्या इसकी माई दुनिया में मौजूद नहीं है? अरे ज़ैनब ठीक के कहती है, ए शाम की औरतों ये ना कहो मैं अपने भाई हुसैन का माथा करो क्या अपने लाल आलो वापस करो। अल्लाह दादा देरी आपको नहीं दूंगा, रोइए। अब वो रवायत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिससे आपकी चीखें निकल जाएंगे। अली अकबर का रवायत बताती आवाज बुलंद हुई कि अब एक सर और आ रहा है। कहा किसका सर है? कहा वो चौधरी के चांद जैसा सर है। अल्लाह वो कोई नहीं, वो अली अकबर का सर था जिसके लिए हुसैन 70-72 बार गिरे जमीन पर और लेके लिए अली अकबर को आए। तारीफ कहती जब सर आगे आया ना जिंदान में तो मैं लैला आगे बढ़ गई, आए मेरा बस अभी हो। अरे एक का सर आ गया ना तुम्हारियाँ आने लगी, कभी हबीब का सर आया, कभी हुर का सर आया, कभी अब्दुल शाकिरी का सर आया, हर एक का सर आया। जिंदान शाम में मातम तो हो गया, मगर अभी तो शाम की औरतें खामोश हो गई, चुप हो गई। कहने लगा कि अब वो सर आ रहा है क्योंकि गाजी का रोग दबदबा पूरे शाम में मशहूर था। औरतें बातें कर रही थी आपस में, कहा किसका सर आ रहा है? कहा आ रहा है जो हुसैन का लंगार है, जो हुसैन का पास है, अब उसका सहारा रहा है। अभी तो जब सर आए ना बीबियां आपस में गुफ्तगु करने लगी, सर रख दिया गया बीबियों के दरमियान। जैसे ही बीबियों के दरमियान सर रखा गया, एक मरतबा सारी बीबियां कहने लगे किसका पास जैसा भारी हो। अल्लाह के बाद यही नहीं, अली की बेटी बस आप बर्दाश्त न कर पाइएगा सुनने का। सारे रवायत यही फरमाते हैं अली की बेटी खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद के करीब आई, अब्बास का सर उठाया, मेरी तरफ देखिए, अब्बास का सर उठाया, अपने चेहरे के करीब लेके आती है। जैसे ही चेहरे के करीब लेके आए, सारे किसानी तवारे लिखते हैं कि अब्बास की आंखें खुली हुई थी। जैसे ही ज़ैनब के सर पर नजर पड़ी, अब्बास की आंखें बंद हो गई, अब्बास की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा भैया तुमने आंखें क्यों बंद कर दी? मैं रुदाद नहीं सुना, मैं वाकियात नहीं सुना हूँगी, बस अभी तो इसी पे मजलिस नहीं तमाम हुई। बल्कि अल्लामा रशीद तुरावी कहते हैं कि एक कैदी उठा जिसके जई नागर हालतों में था, उसने एक बार फूफी अम्मा के करीब आके कहा फूफी अम्मा जरा चचा का सर मुझे। चचा का सर लिया सैयद सज्जाद ने, जैसे ही चचा का सर लिया सैयद सज्जाद ने, रवायत बताती है सज्जाद के सर को लेकर अपने रुखसार को सज्जाद ने अल्लाह में अब्बास के रुखसार को रख के कहा ए चचा अब्बास आपके बाद सवारी मारी है, अरे हलक में मेरे संगीर बांधी गई थी, अरे पाओ ऐसा था चचा अभी भी गला जख्मी है। अल्लामा रशीद तुरावी कहते हैं कि उसी अदना में क्या देखा कि अब्बास ने जनाबे अब्बास के सर को जनाबे सज्जाद ने अबा के दामन में लपेटा और लपेट के कहा लेके चले। इसी इंसान की तरफ से रशीद तुरावी कहते हैं कि अब्बास का सर जिंदान में लेके आया सज्जाद, जिंदान में खबरे सकीना पर रख दिया। रखने के बाद कहा ए बेबे की सकीना, ए बहन सकीना, तेरा चचा आया है, रुका सुना दो, वाकया सुना दो, अरे खबरे सकीना से डरो, ए भैया जब करबला जाइएगा बाबा को मेरा सलाम कह दीजिए। लिपट के तुरबान पे बोली मादर उठो सकीना चलो वतन को रिहाई जिंदा से पाए दिल भर सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को। ये पूछते थे बहुत तार माँ, ये पूछ
पूछे थे बहुत तार मारे हाँ कब होंगे यहाँ से अम्मा कब होंगे यहाँ से अम्मा वो बात अब आ गया मया से उठो सकीना चलो वतन को उठो तन को उठो सकीना चलो वतन को ये नींद कैसी है आंखें खोलो ये नींद कैसी है आंखें खोलो पुकार दी हूँ मैं कब से बोलो पुकार दी हूँ मैं कब से बोलो अरे खुदा रखा वो तारा सीमा पर उठो सकीना वतन को उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को तुम्हारी चुप से मरीज भाई तुम्हारी चुप से मरीज भाई झुकाए सर देता है दुहाई सर देता है दुहाई फूफी भी देखो है कितनी मुझ दर उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को कहाँ पे है दर्द कुछ बताओ कहाँ पे है दर्द कुछ बताओ गरीब माँ को ना यूं रुलाओ गरीब माँ को ना यूं रुलाओ गले से लग जाओ मेरे उठ कर उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को उठो सकीना चलो वतन को सफर यहाँ से है करबला का सफर रे हुसैन ओ जाबिर ओ करबला ओ शाम से पलट के जगाया था काफिला ना कोई जो चलने से बरने लगी ही सकीना ये भी लिखा था
घर में आ गई हूँ, रंजोलम की चादर लिए, रंजोलम की चादर लिए, जाए जिंदा मेरी सकीना, ये भी लिखा था तकदीर में, ये भी लिखा था तकदीर में, जानो मुझको मेरे काजी से नबु है भाई, भाई मैं सैनबु हूँ, भाई मैं सैनबु हूँ, भाई मैं सैनबु हूँ, पहचानो मुझको मेरे काजी ज़ैनब है भाई, भाई मैं ज़ैनब हूँ, 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 भाई मैं जैनब हूँ।
दर्द में को के अपना भरा घर कैसे अब्बास जाऊं मदीना लुट गई माँ के सारी कमाई शर्म आती है मेरे भाई लुट गई माँ के सारी कमाई सो मुझसे पूछेंगे हले मदीना बाजुओं पे ये नील कैसा लेके दागे रसन जाओ मदीना मेरे भैया तेरी सकीना मर गई हाय घुट घुट दुखिया रह गई कैद खाने के कैसे आपस जाऊं मदीना लाए थे जो भरा घर ये ज़ैनब लुट गया के जंगल में वो सब साथ है लौट कर है ये चादर भी आई लेकिन नन्ही सकीना की चादर कैसे आपस जाओ मदीना सलामत न रहे पाया भैया ये झला झूला हमरा हले कर कैसे आपस जाओ मदीना Yeah.
मुँह अहले वतन को भला दिखलाएगी क्यों गए घर जा के करो क्या। हाय घर वाले तो सब सो गए जंगल को बसा कर घर जा के करो क्या। घर जा के करूँ क्या। हाय बैठूंगी न मैं साए में बैठूंगी न मैं साए में छोड़ूंगी न तुरबा कहती है वो खुजली हुई पानू मुझ सर घर जा के करूँ क्या। है घर वाले तो सब सो गए जंगल को बसा रो के देती थी ज़ैनब दुहाई घर चलो करबला वाले भाई कैद हो के मैं दर दर फिराई हो के मैं दर दर फिराई घर चलो करबला वाले भाई साथ छोड़ो ना इस बेवतन का थाम लो बहन का साथ छोड़ो ना इस बेवतन का थाम लो हाथ अपनी बहन का क्या बलब है तुम्हारी जुदाई चलो करबला वाले भाई प्यास में तूने पानी न पाया बहरे उम्मत बरा कर लुटाया प्यास में तूने पानी ना पाया बहरे उम्मत बरा कर लुटाया हो चुकी खत्म अब तो लड़ाई घर चलो करबला वाले भाई बिठाना याद होगा मदीना
को बिठाना, फिर उसी का पिले को हुलाई, फिर उसी का पिले को हुलाई, घर चलो करबला वाले भाई, भूल बेकार को पहचान लो भाई शबीर ज़ैनब हुज़ैना, भूल बेकार को पहचान लो हुज़ैना, लुट के आई है ज़हरा की जाई, लुट के आई है ज़हरा की जाई, घर चलो करबला वाले भाई, मौत आती जो इस हसतन को मुँह दिखाती न अहले वतन को, लुट के आई ज़हरा की जाई, लुट के आई वाले भाई, काँप जाती थी हजरत की मैया, रो के कहती थी ज़ैनब होश कर, काँप जाती थी हजरत की मैया, लो खुदा हाफिज़ ऐ मेरे भाई, लो खुदा हाफिज़ ऐ मेरे भाई, घर चलो करबला वाले भाई, أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو قوله الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون برادران مظلوم کربلا آپ کربلا کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جو شبیہ کربلا ہے مگر عزیزو ابھی آپ نے ہر مرثیہ خان کے جناب زینب کی مظلومیت کو آپ نے مصائب کے انداز میں سماعت فرمایا شاعر نے اپنے انداز سے بہت کچھ کہہ دیا مگر عزیزو میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قریب میں نہر القمہ بھی بہہ رہی ہے جو کربلا کی شبی نظر آ رہی ہے سامنے خیام بھی نظر آ رہے ہیں الگ الگ خیمے آپ دکھائی دے رہے ہیں مگر عزیزو جب حسین اسی خیام سے نکل رہے تھے عزیزو تو میر انیس نے ایک جملہ کہا تھا شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے اللہ حسین اس طرح نکل رہے تھے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو مگر عزیزو حسین کیا مقتل میں فوراً پہنچ گئے نہیں عزیزو یہاں بھی حسین مقتل میں نہیں پہنچے ابھی ابھی تو ابھی رہوار پر سوار کیا ابھی آپ کے مصائب نہیں مرتی ہے کون حسین کو سوار کرا رہا ہے یہاں بھی میر انیس عجیب جملہ کہتے ہیں حسین جب بھی چلے پاتے دو پہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو سکینہ چپکے کھڑی تھی جھکائے دامن کو سکینہ چپکے کھڑی تھی جھکائے دامن کو اللہ کو کوئی نہ آسرا تھا شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو عزیز و عذر کا وقت تھا حسین کو بہن نے سوار کو کرا دیا مگر عزیزو ابھی حسین نقاب پر پیر رکھ کے آرام سے بیٹھے ہی تھے کہ حسین نے اپنے اسب وفادار سے کہا ذرا قدم آگے تو بڑھا کہا کیسے بڑھوں میرے آپ کے سینے پہ سونے والی بچی میرے سمو سے لپٹی ہوئی ہے حسین عرض کر میں زیادہ نہیں آپ کو وقت دوں گا مگر عزیزو آپ کو ایک یتیمی بتانا چاہتا ہوں جس کا کوئی چار سال کا بچہ ہو یا تین سال کی بچی ہو اور اس کا باپ گزر جائے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یتیمی کسے کہتے ہیں جب حسین عرض کربلا پر اتر گئے نا عزیزو ابھی ہلکی سی گرمی آپ محسوس کر رہے نا کربلا کی زمین اس میں زیادہ تپ رہی تھی اللہ جب سکینہ نے اپنے بابا سے سوال کیا نا بابا جب اترے تو کہا بیٹی بابا جب اترے جیسے ہی نا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا مجھے سینے سے لگا لیجیے اللہ اکبر جلتی ہی ریت پر حسین لیٹ گئے ارے وہ زمین جب علی اکبر کے لیے پانی مانگنے کے لیے حسین کیسے نا تو علی اکبر کو جیسے ہی لٹایا نا علی اکبر تڑپ اٹھا تھا اتنی سخت گرمی کی کربلا کے میدان میں عزیز و حسین لیٹ گئے سکینہ سو گئی اور اسی اثنا میں سکینہ اٹھتی کا بابا خدا حافظ مگر جاتے جاتے بابا اتنا بتا دیجیے یتیمی کسے کہتے ہیں اے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں عزیز کو تین سال کی بچی تھی نا سکینہ کہتے حسین سمجھاتے میر انیس کہتے ننی سی ہاتھ جوڑ کے بولی بتنا کام بابا مجھے بتائیں یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے تو وہاں سے وہ بولے چہے انام کھل جائے گا یہ راز ابھی تم بتا بشام بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے بن جائے کس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے حسین مقصد تو ہو گئے مگر عزیزو جب حسین کا قلوع مبارک سے گردن جدا ہوا عزیزو بس اسی پر اپنی مجلس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہاں بھی میر انیس خاموش نہ ہوئے ارے وہ حسین جسے سکینہ بہت چاہتی تھی اگر میر انیس کہتے روبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے زلجنا سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے زلجنا سر خاک پر پٹک کے پکارا گورا حوار سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو تبرک یہ ذوالفقار صحرا قریب لاٹھے پہ سر خاک اڑاتی ہے خیمے میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے اللہ اکبر ادھر فوجوں کا سلسلہ جاری ہوا خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی
अरे ये मजलूम, ये कारवां, ये लूटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा। कूफा की अजियतों को सहता हुआ अजीदो शाम पहुंचता है। कूफे की अजियत और थी, शाम की अजियत और थी। अल्लाह जब काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, यही मंजर कसी कहना चाहता हूँ अजीदो। साहिब मकातिब तहरीर फरमाते हैं कि एक सहज सादी नामी जो हुसैन का चाहने वाला था, शाम तशरीफ लाया। उसने देखा कि शाम में बड़ी सजावटें हैं, बड़े ढोल बज रहे हैं, ताशों की सदाएं आ रही हैं। वो उतरा, कहाँ से उतरा? होटल से नीचे आया। पूछा, क्या शाम में क्या है? कहा, क्या ईद का दिन है? मैं भी तो शाह अरब हूँ, ऐसा तो नहीं लगता कि अरब में कोई ईद मनाई जा रही है। कहा कि किसी बागी को कत्ल किया गया है, उनकी औरतों को लाया गया है। अल्लाह सहल उतरते हैं। उतरने के बाद बाजार के अंदर दाखिल होते हैं। अजीजो दरबारे शाम में, बाजारे शाम में वो जुल्म हुआ अजीजो जो बयान नहीं किया जा सकता। अजीजो शाम के बाजार में खजूरें कौन सी बेची जा रही थी? सदके की खजूरें बेची जा रही थी। अरे सुल्म हो गया कर्म शाम के दिन, शाम के बाजार में, कि अगर एक शकी ने ऐसा अंगारा अपने छत से फेंका कि सैयद सज्जाद के सरे मुबारक पर गिरा, किसके हाथ बंधे थे? अरे वो सज्जाद कैसे अपने अंगारों को हटाता? अल्लाह सर सज्जाद के जल गया। अजीजो तारीख कहती है काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। साथ साथी कहता है कि मैं जब दाखिल हुआ बाजार में ना, तो देखा अजीब मंजर है। मैंने दूर से देखा ये काफिला है, इसमें शहजादियाँ हैं, शरीफ जादियाँ रहती हैं। अल्लाह मैं उस कैदी के पास आया जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार था, कमर में लंगर था। मैं उस इंसान के पास आकर एक सवाल किया कि तू इतना बता कि तेरे वारिसों ने कौन सा ऐसा काम करबला में अंजाम दिया कि सबको कत्ल कर दिया गया, तुम्हारी औरतों को कैदी बना के लाया गया? अरे अल्लाह सज्जाद क्या करते अजीजो? सज्जाद एक मरतबा सर उठा के कहते, सहल साधी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जैसे ही सहल का नाम लेना था ना, तड़प गया, इमाम के कदमों में गिर गया। कहा, सहल तुम यहाँ के तो नहीं रखते शाम के, तुम तो मदीने का रहने वाला है। कहा, आप कौन है? कहा, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। अरे सहल इमाम के कदमों में गिर गया। कहा, आका मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान ना सका। तारीख कहती है कि सहल ने इमाम से पूछा, इमाम सहल से कहते, सहल मेरा कुछ काम कर दोगे अजीजो? जाके अगर कोई शरीफ यहाँ हो कि कभी किसी जिंदगी में जिसके घर से किसी ने कुछ मांगा ना हो, आज करीम इब्ने करीम का बेटा सहल से सवाल कर रहा है बाजारे शाम में, ए सहल अगर तुम्हारे पास कुछ दिरहम हो तो मुझे अता कर दो। अल्लाह अल्लाह, ये मर मिटने की बात है कि कोई शरीफ दादा जिसके घरों से यतीमों को खाना दिया गया, जिसके घरों से फरिश्तों ने खाना लिया, आज उसका बेटा बाजारे शाम में एक सहाबी से सवाल कर रहा है, ए सहल कुछ दिरहम है तेरे पास? कहाँ आपका, मेरे पास 2000 दिरहम। कह सहल एक काम कर दे, चल चादरें खरीद। अल्लाह अकबर, सहल चादरें खरीदने जब जा रहा था ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सहल जरा ठहर जा, हल सौबुल अतीक, ए सहल कभी पुराना फटा कपड़ा भी कहीं मिल जाए ना तो उसे भी लेके आना। कहा, आपका फटा कपड़ा क्या करेंगे? कहा, जो नौखे धस रही है ना, जो मेरे गले में खारदार तौफ लगाया गया है, उसके नीचे मैं रखूंगा सहल, बड़ी तकलीफ हो रही है सहल। अल्लाह अकबर, सहल आए चादरें लेकर। आका चादरें लेकर आ गया। का सहल इन चादरों को बीवियों में तकसीम कर दो। सुनना सकिएगा, जब सहल चादर लेके आगे बढ़े ना, तो सैयद सज्जाद ने जुमला कहा, सहल सादी ख्याल रखना, इसमें अली की बड़ी बेटी भी ज़ैनब भी है, निगाह झुका कर जाना। अजीजो सहल ने चादरें तकसीम की, मगर अभी चादरें बीवियों के सरे तक नहीं पहुंचा था। ये शाम है अजीजो जहाँ अली की बेटियों को इस तरीके से लाया गया, मगर अजीजो जैसे ही चादर तकसीम हुई, वैसे ही चादरें छीन ली गई। वाह हिजाबा,
वाह हिजाबा की सदाएं बुलंद होने लगी। सहल करीब आया, आका कोई और हुक्म है? कहा कितना पैसा बचा? कहा सर आका 1000 दिरहम आप। कहा सहल एक एहसान और करते मेरे ऊपर? कहा क्या हुक्म है आका? कहा इन सरों में जो लोग नेजे पे सर लिए हुए ना, इनको कुछ दिरहम दे दो ताकि सरों को लेकर आगे पढ़ जाए, ताकि बीवियों को पर्दा बच जाए। अल्लाह अकबर। सहल ने बड़ी मिन्नतें की, उस शहर आगे बढ़ गए। मगर अजीजो इसी यसना में सुनिएगा क्या शुरू हुआ। शाम के बाजार में अजीजो अब बर्दाश्त ना कर सकेंगे, मेरे नौजवानों चीख के रहो, जहरा आई होंगी, पसलियां टूटी हुई हैं, कमर टूटी हुई है, आपके आंसू को लेने के लिए आई है। कहां से आई है? यही तो जब आप रोते हैं ना, एक मरतबा सकीना अपनी फूफी से कहती है, फूफी अम्मा काश ये शिया करबला में होते तो मेरा बाबा कतला होता। अल्लाह अकबर। चादरे छीन ली गई, सहल ने पैसा दिया, कुछ लोग सारे आगे बढ़ी, कुछ रह गया था। देखा खुदा लानत करे उस शामी शख्स पर जिसने पत्थर उठाए बाजार से, और पत्थर उठा के जानते क्या जुल्म किया? हुसैन के गुलुए मुबारक पर निशाना लिया। अरे पत्थर का लगना था हुसैन के गुलुए मुबारक से, सहन से खून जारी होने लगा। सहन ने तलवार खींची, इधर से सैयद सज्जाद ने आवाज दिया, चचा सहन करबला से कूफा, कूफा से शाम तक पत्थर खा के आ रहा। ए चचा सब्र कर लीजिए, बस अजीदो काफला बाजार शाम से जिंदा ने शाम तक पहुंचा गया। मैंने अपनी आखिरी गुफ्तगू में कहा था ना कि जनाब अब्बास की जब सर को रखा ना कब्र सकीना पर, तो सकीना ने कहा था भैया जब करबला जाइएगा ना तो बाबा को मेरा सलाम कह दीजिएगा। अजीजो अब कारवा रवा हो रहा है। पहले महीने बड़े आराम से सजाई गई, बेहतरीन लिबास लगाए गए थे महमिलों में, मगर जब जैनब ने देखा कहा बेटा सज्जाद हम गमजदा लोग हैं, हमारी अमारियाँ रेशमी कपड़ों से भी होनी चाहिए। ए बेटा यजीद से कहो से यहाँ अमारियाँ सजाई गई। अल्लाह अकबर। अमारियाँ सजा दी गई, बीवियों को बैठाना गया। जब बीवी करबला से चली थी तो बेमहमिल था, आज करबला जा रही तो महमिलों का सहारा है। मगर अजीजो जब बीवियाँ गलहमिल पर सवार हो गई ना, और जब काफिला चलने लगा ना, तो जैनब ने सवाल किया, बेटा सज्जाद तुम्हारी माँ रुबाब नहीं दिखाई दे रही? बेटा सज्जाद तुम्हारी माँ रुबाब नहीं दिखाई दे रही? कहा फूफी अम्मा मुझे मालूम है मेरी अम्मा कहाँ है। काफिला चलने लगा, जब जिंदान के करीब काफिला पहुँचा ना, सज्जाद ने कहा काफिला रोक दिया जाए। अरे जैनब भी आगे बढ़ी, अजब मंजर देखा कि कब्रे सकीना से एक बीबी लिपट कर रो रही थी। ए बेटी सकीना बड़ी तमन्ना थी मदीने जाने की, ए बेटी हमें रिहाई मिल गई है, ए बेटी मदीना चलो। अल्लाह अल्लाह चादर उड़ा दी है कब्रे सकीना पर, शायद कब्रे सकीना से आवाज आई, ए अम्मा जब मदीने जाइएगा तो सबे आशूर बाबा ने एक वसीयत की थी कि मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, जब ठंडा पानी पीना हुसैन की प्यास को याद कर लेना। अल्लाह सकीना। रवाना हुआ काफिला अफीसो, अब इधर से रसूल का सहाबी मदीने से चला, कौन है? जो अब्दुल्ला है, सन 61 हिजरी का करबला है। अजीजो जब हुसैन की बहन करबला से शाम आई थी तो लाशें ऐसी ही पड़ी हुई थी। अब हुसैन की बहन मदीना शाम से करबला आ रही है, मगर अजीजो जनाब सैयद सज्जाद से कहती है, भाई बेटा मैं कब्रों को देखना चाहती हूँ। अल्लाह कारवा रवा हो गया, एक चौराहे पे पहुँचा, यहाँ से काफिला मदीने को भी जाता है, करबला को भी जाता है। बस अजीजो की जहमत तमाम कर रहा हूँ, लो लीजिए, ना जाने अगले बरस कौन जिंदा है कौन ना जिंदा है। अजीजो जितना फुर्सत देना हो दे लीजिए करबला वालों का। अल्लाह काफिला रवा दवा हो गया, मगर इधर से जाबिर भी चला, इसके साथ अपने गुलाम अतिया के साथ, अतिया साथ साथ है, जाबिर नाबीना है, जाबिर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अतिया ने कहा आका कब्रें तो दिखाई नहीं दे रही। काए जाबिर ने कहा अतिया मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दो। एक मरतबा अतिया ने कहा सलाम अलैक या अबा
अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह एक कब्र से आवाज आई, ए जाबिर तुझ पर मेरा सलाम हो। अरे जाबिर कब्र हुसैन पर गिर गए, बहुत देरी तक रोते रहे। अजब मंजर देखा जाबिर ने, बनस्ते नफी जाबिर खान में देखने कब्र हुसैन पर लेटे रो रहे। अजब मंजर देखा कि हुसैन के पूरे जिस्म पर तीर बेवस्त है, इसीलिए तो एक जान दानिश कहती है कि 1999 तीर हुसैन के जिस्म अकदस पर। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा था, आपके बाबा के जिस्म में कितने तीर लगे थे? अपनी फिरोजे की अंगूठी को उतारा, उतारने के बाद कहा, एक अंगूठी देख रहे ना, इसके बराबर थी। मेरे बाबा के जिस्म में कोई जगह बाकी नहीं था जहाँ तीर ना बेवस्त हो। ए आका, मैंने तो सिर्फ यही सुना था आपके तीर लगे हैं। अजीजों रो रहे थे, कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबे हट जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, अल्लाह अल्लाह। जाबिर ने कहा था, कोई खता कहा नहीं जाबिर, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, अल्लाह। जैसे ही जाबिर हटे, ज़ैनब ने अपने को कब्र हुसैन पर गिरा दिया और बयान करने लगी, ए भैया आपके बाद तमाचे मारे गए, ए भैया आपके बाद अजियतें दी गई, ए भैया आपके बाद हमारे बाजुओं में रसन बांध दिया गया, ए भैया एक रस्सी थे 12 गले थे, ए भैया पुश्ते जख्मी हैं। अरे ज़ैनब फरियाद करती रही, हाथों को जोड़ कर एक और सवाल किया, ए भैया ज़ैनब को माफ कर देना, जो अमानत आपने हमें दी थी वो शाम में तोड़ के आ गई है। ए भैया सकीना शाम में सो गई, से आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Yeah.
काफिला पहुंचा। बशीर करता था सरब न पीट कर नौहा, मदीने वालों नबी का उजड़ गया तुलवा। फकत है मर्दों में बाकी जनाब ज़ैनुल्मा। नबी के रोज़े पे वो सबसे पहले जाएंगे, वहीं पे हाले सफर अपना वो सुनाएंगे। मदीने वालों ने जिस दम सुनी ये गम की खबर, वो काउसी नजनी से बपा हुआ महशर। असा सवाले हुए एक बीबी पीटती थी सर, नबी के रोजे पे जाती थी कहे थी हाय बदर। करीब ना पके पहुंची जो फातिमा नाम सुना। ए फातिमा सुग़रा घर लुट गया बेटा, तेरे आई नहीं फिर के सवारी। भैया अली अकबर भी तेरा आया जब प्यारी, सौ बार भी हो तेरी मजलूम पिवारी। मैं देती हूँ पुरसार, मैं देती हूँ पुरसार, मैं तुझ सवाल सफर का। पर देश में किस तरह लुटा गुलशन सहरा, सर रंगे गया किस तरह सौरव में कुनबा। दरबार सितम बार का और कैद का किस्सा सुन ऐ मेरे दुखिया, सुन ऐ मेरे दुखिया। जिस वक्त हुआ पर से बुकड़े दिले अकबर, आंखों पे बशारत रही शाह के दिल पर। लाशे को उठाने गए इस हाल में सर पर, गिरती थी हर एक लाश पे अकबर की समझ कर। मिलता था न लाशाय फातिमा सुग़रा, मिलता था न लाशाय फातिमा सुग़रा। शमीर ने जब लाशाय पर दंड कुपाया, है जो सिना साथ कलेजा निकल आया। मैयत को जवाब बेटे की फिर झुके उठाया, लाकर उसे मैदान से खैमे में लिटाया। एक हश्र तबर पाए फातिमा सुग़रा, एक हश्र तबर पाए फातिमा सुग़रा। तू ढूंढती है जिसको हर एक गोद में दिल की, छह के असर की रही थी कोई ताक़ी। मारा बिले काहिल तेरे भाई को एक दीर, हो उसे उगल कर हुआ बेजान को बेशीर। खाली हुआ जुलाए फातिमा सुग़रा, खाली हुआ जुलाए फातिमा सुग़रा। शादी हुई काजल की मगर रास न आया, एक रात सुहागन रही बेवा हुए कुबरा। बामाल पिया जालिमों ने झूला कलाशा, मंगल पे तने जाने हसन कितना पड़ा था। इन आंखों ने देखा है फातिमा सुग़रा, इन आंखों ने देखा है फातिमा सुग़रा। अब इस तरह सुना उन्हें सफर का तुझे अहवाल, चेहरों को छुपाए हुए देखी पियो के बाल।
इस जागरण भाषा तुमने सफर से का बुरा हाल कुछ जिस्म के हिस्सों से जुदा हो गई थी खार वो देखेगी बेटा फातिमा सुगरा वो देखेगी बेटा फातिमा सुगरा अदर पारे सीधी में गए फिर हम लेकर बिठलाए थे वक्त खुशी नशी साथ सुलाकर जकड़े हुए रस्सी से थे सब और खुले सर बट जाता है दिल करती हूँ जब याद वो मंजर क्या वक्त कठिन था फातिमा सुगरा क्या वक्त कठिन था फातिमा सुगरा जिंदगी में गंदी सी कमर एक बनाई घबराती बसन जबर वहां बानू की जाए हम सबको दिया जालिमों ने हुक्म रिहाई मर कर पे रिहाई न मैं असर उसे आई वो रह गए तन्हाई फातिमा सुगरा वो रह गई तन्हाई फातिमा सुगरा जब बीबियों को गंज शहीदा नजर आया ना किसे हर एक बीबी ने अपने को गिराया नजरों में आशूर का मंजर जो समाया बस देखते ही मुंह से कलेजा निकल आया हर लब तनोहाय फातिमा सुगरा हर लब तनोहाय फातिमा सुगरा ऐसा चांद ने दबला दिए जब लाश बहतर अंसारों अजीजों का किया चहलू में असफर अब कासिम का किया चहलू में अकबर उस आलम गुरबत में किया चहलू में सरवर कुछ पास नहीं था फातिमा सुगरा कुछ पास नहीं था سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا غریب دلت ہے پرسا تمہارے پیاروں کا शर्म खाए जाती है खुले सरों पर असीरी की खाक आती है सलाम भेजते हैं अपनी शाहजादी पर के जिनको सो गए मरते वक्त घर सरवर मुसाफिरत ने जिसे बेबसीये दिखलाई निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई असीर हो के जिन्हें शामियों के नरके में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में सकी इस तरह कोई
खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मां भी उजड़ी है कोखबरी उजड़ी। जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है, क्या दे तसल्लियों का बयान। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोर की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता, कहाँ ढूंढे तुम्हारा चांद, कहाँ छिप गया कहाँ ढूंढे। सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों, सलाम तुम पर रसूलों बतूल के प्यारों। बच्चे तो अकले बरस हम है और ये हम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है।